लिए कितने एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स एक्साइटेड है, अभी तो हमें नहीं मालूम अंदर मिलने को मिलेगा कि नहीं, बट लेट्स सी। ओके, कल यू नो मनारा को काफ़ी टॉर्चर किया गया है घर के अंदर, इवन ईशा ने उसे स्लैप करने की भी कोशिश की है, बट उस पर बिग बॉस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी इनह्यूमन ग्राउंड्स पे इन लोगों ने टास्क किया है, जो भी इन्होंने अभी किया है देख के एज अ फैमिली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पेरेंट्स भी काफ़ी डिसहार्टेंड है। अभी भी मैं लाइव फीड देख रही थी, गेम के लिए इतना एग्रेसिव हो गया है कि दे हैव गॉन डाउन टू द लेवल की लिटरली पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट अपसेटिंग एज अ फैमिली, बिकॉज लिटरली अभी मैं सुन रही थी दे आर टॉकिंग, दे हैव क्रिएटेड लाइव फीड पे दिखा रहे हैं, कोई स्किट बनाई है जिसमें अंकिता जी, ईशा, आयशा एंड विकी जी थे, एंड उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कि वेदर ये अपने पेरेंट्स की लेजिटिमेट चाइल्ड है कि इलेजिटिमेट। आई मीन सम स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी यू नीड टू कीप, यू नो, ठीक है गेम है कुछ भी, आप भी किसी के बच्चे हो, आपके भी कोई पेरेंट्स होंगे, इमेजिन इफ समवन स्टार्ट सेइंग स्टफ लाइक दैट फॉर यू और योर फैमिली एंड योर सिबलिंग, हाउ विल यू टेक इट? सो इट इज़ क्वाइट अपसेटिंग। इवन टास्क के टाइम पे उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मनारा था, बाय गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स ब्लेसिंग शी इज़ गॉड्स चाइल्ड ऑफ कोर्स, सो गॉड ऊपर वाले कितनी कृपा है कि सबसे स्ट्रांग रही है, और जो उन्होंने सोचा था कि उनके लिए वीक टारगेट होगा वो ही मनारा के लिए सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। सो बट हैट्स ऑफ टू देम, इतने लो लेवल पे गिर जाएंगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। आई मीन हम अंकिता जी को पवित्र रिश्ता के टाइम से फॉलो करते हैं, मेरे को और मेरी सिस्टर को बहुत रिस्पेक्ट थी उनके लिए, बट उनके मुंह से जैसे जैसे वर्ड्स निकल रहे हैं इनको धक्का देना चाहिए, ये लड़की है ही धक्कों के लायक, इतनी ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है गेम के लिए जस्ट बिकॉज कि वो लोग टॉप फोर पे पहुंच गए, ईशा को भी हो रही है एंड आयशा को भी हो रही है कि बीइंग गर्ल्स ओनली ये लोग इस लेवल पे, इतने लो लेवल पे दे विल गो डाउन, ही हैड नो आइडिया, सो वी आर क्वाइट अपसेट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। मनारा फिनाले में पहुँच गई है, क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुश हैं आप? वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी फील सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल, बिकॉज ऑफकोर्स ये सिर्फ गॉड की ब्लेसिंग्स है, उसका हार्डवर्क है और उसकी ऑनेस्टी है जो उसको यहाँ तक लाई है, एंड भगवान का साथ रहा तो ऑफकोर्स ट्रॉफी भी घर ही आएगी, इतना उसने सहा है, इतना ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग रही है, उसको इतना ज़्यादा अभी भी दो दिन से टॉर्चर कर रहे हैं, आते जाते लाइव फीड पर हम लोग देख रहे हैं अंकिता जी आते जाते उसका ब्लैंकेट कमरे में फेंक दिया, फॉर वॉट रीज़न नो आइडिया, कि किसी तरह वो कुछ वो करे। सो शी इज़ स्ट्रेइंग स्ट्रॉन्ग, अभी तक रही है, अकेली यहाँ तक आई है 92-93 डेज की जर्नी पे, कोई उसका साथ नहीं है, वो लोग तो फिर भी अपने हस्बैंड और जो भी फ्रेंड्स, हर कोई हर किसी को बाहर से जानता है, उस बेसिस पे आया है, यहाँ तक अकेली खड़ी हुई, आगे भी हुई थी, आप सबकी फैंस का सपोर्ट रहा, आप सबका प्यार रहा एंड ऊपर वाले की कृपा रही, तो डेफिनेटली ट्रॉफी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिताली, वेलकम, प्लेजर, थैंक यू। मैम अभिषेक से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैम रुकियो, ईशा और मम्मी बैठ गए गाड़ी में।